दीपावली के बाद छठ पर्व पर घर जाने वालों की भीड़ अचानक ही रेलवे स्टेशनों पर बहुत ज्यादा बढ़ गई। ज्यादा संख्या में यात्रियों के घर जाने के चलते ट्रेनें खचाखच भरी नजर आई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन समेत अब ऐसे ही देश की राजधानी लखनऊ के स्टेशनों पर भी नजर आ रहे हैं। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर बिहार जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। लखनऊ से बिहार जाने वाले ज्यादातर सभी ट्रेनों के जनरल समेत रिजर्व कोच में भी यात्रियों की भारी भीड़ है। भीड़ इतनी बढ़ गई है, ट्रेनों के जनरल कोच में ठीक से खड़े होने की जगह नहीं है, लोग खिड़कियों से अंदर जा जाकर बैठ रहे हैं। वहीं छठ पर घर जाने वाले यात्रियों में उत्साह की कमी नजर नहीं आ रही है। यही कारण है कि यात्री किसी भी तरह ट्रेन में सवार होकर अपनी मंजिल की ओर निकलना चाह रहे हैं। इस बीच लखनऊ के चारबाग स्टेशन से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें यात्रियों की भीड़ को बिहार जाने वाली ट्रेन में चढ़ने के लिए जद्दोजहद करते देखा जा रहा है। इस दौरान जहां ट्रेन यात्रियों से पूरी तरह खचाखच भरी नजर आ रही है, ट्रेन में पैर रखने की भी जगह नहीं है। प्लेटफार्म पर खड़े यात्री उसमें सवार होने के लिए दरवाजा खटखटाते हैं, ट्रेन में घुसने की कोशिश करते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ यात्री अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर ट्रेन की इमरजेंसी वीडियो से ट्रेन में सवार होने को मजबूर है। छठ पर्व के कारण रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक यात्रियों से खचाखच नजर आ रहे हैं। स्थिति यह है कि लोग सीट न मिलने पर गेट पर लटक कर किसी तरह घर पहुंचना चाहते हैं। फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ने रेलवे से 10 स्पेशल अनरिजर्व ट्रेन चलाए जाने का फैसला लिया था, जिससे यात्रियों को थोड़ी राहत मिली। हालांकि हर साल छठ पूजा पर लोगों का यही हाल होता है, लेकिन सरकार इस मामले में कोई भी अस्थायी राहत या कोई भी ऐसा योजना बनाने को तैयार नहीं है। प्रत्येक वर्ष लोग अपनी जान को दांव पे लगाकर इसी तरह त्योहारों में गांव जाने के लिए गाड़ियों में लटक लटक कर जाते हैं। टिकट लिया है? गेट बंद हो गया है।